जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया, लेकिन कुछ लोगों को इस बीच में तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो। क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधाराओं को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाए? लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए, इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी, ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं।